हेलो दोस्तों, फिर आपका दोस्त निखिल आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया है जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि मैंने एक नया बाइक परचेस किया है, उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। मैं एक बार फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो जो है मेरा नया बाइक से रिलेटेड है, जो कि मैंने अभी फरवरी में ख़रीदा है। और ये बाइक कौन सा है, इसके लिए जानने के लिए ये वीडियो को आखिरी तक देखिए। वैसे तो काफ़ी दिग्गज लोग हैं जो देखते से ही पहचान लेंगे ये कौन सा बाइक है। और ये बाइक जो है वो हीरो का है, तो हीरो एक ट्रस्टेड कंपनी है। खैर, सारी कंपनियां ट्रस्टेड है, जिसको जो बाइक सूट होता है वो ले लेता है। बट मैं जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। मेरा इसके पहले जो बाइक था एवेंजर 180 स्ट्रीट, वो मैंने 2017 में लिया था। उसको मैंने 3 साल चलाने के बाद थोड़ा सा खामियां उसमें मुझे मिली, जिसकी वजह से मुझे वो बाइक जो है रिप्लेस करना पड़ा। तो मैंने वो बाइक अपना एक्सचेंज करवाया है हीरो के एक बाइक के साथ, जो कि है एक्सपल्स 200। चलिए देखते कुछ सिनेमैटिक्स। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा सिनेमैटिक्स व्यू में मेरा गाड़ी जो है काफी चमक तो रहा है, लेकिन ये फुटेज जो है कुछ दिन चलाने के बाद का है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये गाड़ी मैंने लिया था 7 फरवरी को। उस दिन मैं अवेलेबल नहीं होने की वजह से मैंने मेरे भाई को डिलीवरी के लिए भेजा था कि भाई तुम जाके ले लो। और जैसे मैं इवनिंग में घर पहुँचा तो मैं गाड़ी को देख के काफ़ी एक्साइटेड था। मतलब ये गाड़ी का जो सुना था मैंने, सीरियसली यार बॉस मानना पड़ेगा, बहुत बढ़िया गाड़ी बनाया एक्सपल्स हीरो वालों ने। हाँ, अब बात आती है कि मैंने ये कहाँ से ख़रीदा। मैंने ये ख़रीदा है आदित्य हीरो नागपुर से। और ये गाड़ी, ये भाई साहब जो जिनसे डील हुआ था मेरा, वो है मिस्टर श्लोक। इस बंदे ने ये गाड़ी मुझे 8 दिन में अवेलेबल करा दिया, मानना पड़ेगा। और मेरा गाड़ी जो था मैंने एक्सचेंज किया, उसका मुझे लगभग 60K प्लस वैल्यूएशन मिला था, जो 3 साल चलाने के बाद एवेंजर का ठीक ठाक है। उसके बाद जो है ये गाड़ी का डिलीवरी लेने के लिए जैसे मेरे भाई गया संडे, यहाँ नागपुर में इंडोर स्टेडियम है बहुत बड़ा, यहाँ पे एक इवेंट अरेंज कराया था हीरो वालों ने। तो वो इवेंट में उन्होंने डिलीवरी करवाया मेरे गाड़ी का, और कुछ फोटोशूट भी हुआ था वहाँ पे, जो उन्होंने मुझे शेयर करवाया है। मैं आपको सामने शेयर करता हूँ वो फोटोज़। तो दोस्तों, जैसे कि आपने फोटोज़ देखे हैं इंडोर स्टेडियम के, तो वो इवेंट जो है काफ़ी हाई लेवल का था। काफ़ी मिस किया मैंने, मुझे जाना चाहिए था इवेंट में, यार मेरा गाड़ी है। बट खैर कोई बात नहीं, थैंक्स टू मिस्टर श्लोक, उन्होंने इतना बढ़िया इवेंट जो हो रहा है उसमें मेरा गाड़ी डिलीवरी करवाया। और गाड़ी को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड था, इम्प्रेस था। मैंने आते से रात को जितने भी बजे आया मैंने काफ़ी गाड़ी चलाया, और गाड़ी चला के सही में सेटिस्फाइड हूँ मैं। और बाकी गाड़ी के बारे में तो क्या ही बताऊँ, टेक्निकली तो मुझे उतना नहीं आइडिया, बट फिर भी गाड़ी बहुत बढ़िया है। 200 सीसी का है, और सिंगल राइडर के लिए तो काफ़ी बहुत मतलब पावरफुल है, नो डाउट उसमें। मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखने के बाद ये गाड़ी सिलेक्ट किया, जैसे कि आजकल फकीरा राइडर चला रहा है एक्सपल्स, बुल्लू पटनायक ने भी एक्सपल्स लिया है, मेरे काफ़ी दोस्तों के पास है। बट ऐसा नहीं है कि पसंद आ गया और ले लिया, मुझे ये गाड़ी जो है मेरा बजाज एवेंजर 180 स्ट्रीट, इसको एक्सचेंज करना ही था। रीज़न वो था कि लास्ट मुंबई राइड में मैंने काफ़ी बार इसका जिक्र किया है, मुंबई राइड में मुझे ये गाड़ी को लेकर बहुत दिक्कत हुई। गाड़ी के करंट में कुछ लगभग थोड़ा बहुत इशू था, जो कि टेक्नीशियन नहीं समझ पाया, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, और रिजॉल्व नहीं हुआ। इस वजह से मुझे ये गाड़ी एक्सचेंज करना पड़ा, और उसके
कंपेयर में, उसके तोड़ में मैंने ये एक्सपल्स सोचा। काफ़ी लोग मुझे हिमालयन के लिए भी सजेस्ट कर रहे थे, बट वो गाड़ी जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मतलब 1,00,000 रुपये से एक्सपेंसिव है भाई साहब। तो इतना बजट नहीं होने की वजह से मैंने ये गाड़ी लिया, और ये गाड़ी मैंने कैश में लिया है। जो वैल्यूएशन उस एवेंजर का मुझे मिला था वो ऐड कराने के बबाद मुझे लगभग 1,42,000 रुपये में ये गाड़ी टोटल पड़ा है। चलिए थोड़ा बहुत राइडिंग का मैं आपको शेयर करता हूँ। इसका जो कंफर्ट है वो कंफर्ट सिर्फ एक ही चीज़ से गया हुआ है, उसका सीटिंग, जो सीट बनाया हुआ है कंपनी ने, वो सीट जो है थोड़ा सा यूनिक है बट कंफर्टेबल नहीं है। तो लोग उसमें एडिशनल सीट रख कर, जो फोम सीट या फिर एयर वाली सीट आती वो रख कर चलाते हैं, कुछ लोग सीट मॉडिफाई करा लेते हैं। अभी तक तो मैंने कराया नहीं क्योंकि मैं लॉकडाउन में ही चल रहा हूँ। अभी तक 1.5 साल हो गया लॉकडाउन ही है, तो बाहर जाने का चांस नहीं है। लद्दाख ट्रिप थी मई महीने में 2021 में, वो भी कैंसिल हो गई। प्रीवियस ईयर भी लद्दाख ट्रिप रखा था एवेंजर के साथ, वो भी कैंसिल हो गई। कब आएगा लद्दाख का नंबर, डोंट नो। बट खैर ठीक है, गाड़ी अपग्रेड कर लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं जो और उसमें एडिशन करवाया है। आपको जो है उसके रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन का जो वीडियो है वो सामने में मैं शेयर कर दूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल के लिए ये ब्लॉग सामने कंटिन्यू करते हुए मैं अभी आपको कुछ फोटोज़ वीडियो शेयर करता हूँ गाड़ी के, और मिलते हैं दोस्तों बाद में। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों इस गाड़ी में गियर इंडिकेशन भी है जो Thank you.